हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हमने पिछली वीडियो जो थी एब्डोमिनल एओर्टा की, उसमें हमने बात की थी कि उसकी जो एंटीरियर ब्रांचेस थी उसमें से एक था सीलिएक ट्रंक, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्डोमन का। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, सीलिएक ट्रंक किस किस चीज़ को सप्लाई करता है इसकी बात करें तो सीलिएक ट्रंक सप्लाई करता है, उसमें भी हमने बताया था, फोरगट को सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है? इसे बोलते हैं हम आर्टरी ऑफ फोरगट। इसको हम फोरगट की आर्टरी बोलते हैं क्योंकि ये फोरगट को सप्लाई करता है। ठीक है, तो फोरगट में ये सप्लाई करता है सबसे पहले एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस को। नेक्स्ट ये सप्लाई करता है स्टमक को। उसके बाद ये ड्यूडेनम को सप्लाई करता है, जब भी मैंने आपको बताया था, सेकेंड पार्ट के हाफ तक सप्लाई करता है सिर्फ। उसमें मैंने तीन जो ऑर्गन्स बताए थे उसमें से एक था लीवर, एक था स्प्लीन और एक था पेनक्रियाज, जो कि फोरगट के दायरे में ही आते हैं, फोरगट के अंदर ही आते हैं। ये लीवर, पेनक्रियाज और स्प्लीन, इनको भी सीलेक्ट ट्रंक ही सप्लाई करता है। अब अगर इसकी हम बात करें कि रिलेशंस की बात करें, तो इसको हम देखते हैं इस सेजाइटल सेक्शन की, इस डायग्राम से। ये सेजाइटल सेक्शन है जिसको हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। तो ये है हमारा सीलिएक ट्रंक, दिस इज द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड दिस इज द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सीलिएक ट्रंक के एंटीरियर में, मतलब इसके आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है? लेसर सैक और लेसर ओमेंटम। इस डायग्राम में देखें तो इसके आगे की तरफ लेसर सैक और लेसर ओमेंटम है, इसके नीचे की तरफ बॉडी ऑफ द पेनक्रियास और स्प्लीनिक वेन है। तो इसके रिलेशन जब हम लिखते हैं तो एंटीरियर में आया लेसर सैक, लेसर ओमेंटम, इंफीरियर में आया बॉडी ऑफ द पेनक्रियास एंड द स्प्लीनिक वेन। राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात करें तो राइट साइड में आता है राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, लेफ्ट साइड में आता है लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम। अब राइट साइड में लीवर होता है तो उसका कोडेट प्रोसेस आ जाता है, और लेफ्ट साइड में स्टमक है तो उसका कार्डियक पार्ट आ जाता है इसके रिलेशन में। तो रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी अब हम बात करने वाले हैं, जो इसकी ब्रांचेज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस पेज पे इसकी सारी ब्रांचेस लिखेंगे। ठीक है, इस पेज से हमारी इसकी सारी ब्रांचेस जो है वो कवर हो जाएंगी, और ये तरीका थोड़ा इजी भी है याद करने का इसको। तो सीलिएक ट्रंक की जो है वो इसकी मेन तीन ब्रांचेज होती हैं, तीन टर्मिनल ब्रांचेज ये देता है सीलिएक ट्रंक। छोटा सा तो है, डायग्राम में दिखा चुका हूँ, छोटा सा तो है ही, टर्मिनेट हो जाता है। तीन टर्मिनल ब्रांचेज देता है जिनके नाम हैं, वन इज द, सबसे पहले देता है क्या? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक देता है कॉमन हिपेटिक आर्टरी, कॉमन हिपेटिक, और एक देता है कौन सी? स्प्लीनिक। तो ये तीन ब्रांचेस देता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हिपेटिक एंड द स्प्लीनिक। तो सबसे पहले इसकी तीन ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी? लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हिपेटिक एंड स्प्लीनिक। अब लेफ्ट गैस्ट्रिक की अगर हम आगे बात करें तो लेफ्ट गैस्ट्रिक जो है इसकी फर्दर ब्रांचेस देता है ये, लेफ्ट गैस्ट्रिक जो है तो ये ब्रांचेस देता है फर्दर, दो ब्रांचेस देता है, एक देता है ईसोफेजियल ब्रांचेस, ईसोफेजियल ब्रांचेस देगा, और एक नाम में गैस्ट्रिक है तो क्या देगा? शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस देगा, शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस। ईसोफेजियल है तो ईसोफेगस को सप्लाई करेगी, ये दो से तीन होती हैं, ईसोफेगस को सप्लाई करेगी। शॉर्ट गैस्ट्रिक किसको सप्लाई करेंगी? ये डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा, ये सप्लाई करती है किसको? लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को। अब नेक्स्ट कॉमन हिपेटिक की ब्रांचेस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? इसकी दो मेन ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस तो क्या, ये एक ब्रांच देता है, कौन सी? जिसका नाम है गैस्ट्रो ड्यूडेनल, गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रो ड्यूडेनल। इसकी एक ब्रांच निकलती है, ये ब्रांच देने के बाद इसका नाम जो है वो बदल जाता है। ये ब्रांच देने के बाद इसको हम बोलते हैं प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी। अब जो प्रॉपर हिपेटिक है वो आगे जाके एक ब्रांच देती है, प्रॉपर हिपेटिक जो है वो एक ब्रांच देती है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है राइट गैस्ट्रिक। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट गैस्ट्रिक मेन ब्रांच है, राइट गैस्ट्रिक प्रॉपर हिपेटिक की ब्रांच है। राइट गैस्ट्रिक देता है और आगे जाके टर्मिनेट हो जाता है किसके अंदर? दो ब्रांचेस के अंदर, जो कौन कौन सी हैं? जो है, एक है राइट हिपेटिक और एक है लेफ्ट हिपेटिक, एक है राइट हिपेटिक और एक है लेफ्ट हिपेटिक। अब बात करें राइट हिपेटिक की, तो राइट हिपेटिक एक ब्रांच देती है
जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी नाम की एक ब्रांच देती है। ये सिस्टिक आर्टरी जो है ये सप्लाई करती है किसको, ये सप्लाई करती है गोल ब्लैडर को। ये गोल ब्लैडर को सप्लाई करती है दो ब्रांचेस के थ्रू। कौन कौन सी? एक देती है सुपरफिशियल और एक देती है डीप ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच गोल ब्लैडर के जो इंफीरियर सरफेस को सप्लाई करती है, और डीप ब्रांच उसके सुपीरियर सरफेस को। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, कॉमन हेपेटिक की। अब गैस्ट्रोडुडेनल जो इसकी ब्रांच थी इसकी और बात करें, तो जो गैस्ट्रोडुडेनल है ये आगे जाके फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी दो में? एक तो देती है सुपीरियर पेनक्रियट टोडोडिनल, सुपीरियर पेनक्रेटोडोडिनल, और दूसरी देती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। एक देती है सुपीरियर पेनक्रेटोडोडिनल और एक देती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। अब हम बात करें स्प्लीनिक की, तो स्प्लीनिक जो आर्टरी है वो आगे जाके तीन अलग अलग ब्रांचेस दे देती है। देती तो वैसे चार है, मेन तो ये कुछ स्प्लीनिक आर्टरीज देती है, कुछ इसकी स्प्लीनिक ब्रांचेज निकलती हैं 5 से 7। वो स्प्लीन को सप्लाई करती हैं, ठीक है, नाम ही स्प्लीनिक है तो स्प्लीन को सप्लाई करेगा मेनली। तो उसके अलावा तीन ब्रांचेज और देता है, कुछ तो देता है पेनक्रियाटिक ब्रांचेज, बी आर मतलब ब्रांचेस, कुछ देता है पेनक्रियाटिक ब्रांचेज, कुछ देता है क्या शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेज, ठीक है। उसके बाद कुछ ये देता है कौन सी, एक देता है क्या लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। अब ये लेफ्ट राइट का चक्कर बहुत आता है इसके अंदर, तो ये याद करने का तरीका है ना, ये है कि लेफ्ट साइड में स्प्लीन है तो वो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक देगा, और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक गैस्ट्रो ड्यूडेनल से निकलती है, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें इसके अंदर कि कौन किसके साथ एनास्टोमोज कर रहा है, कौन किसके साथ जुड़ रहा है, इसकी बात करें, तो जो राइट गैस्ट्रिक है, हमें ये रिलेशन बनाऊंगा यहाँ पे, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक है वो करती है राइट गैस्ट्रिक के साथ, ठीक है। जो सुपीरियर पैनक्रियाटो ड्यूडिनल है ये किसके साथ करती है, ये करती है इंफीरियर पैनक्रियाटिको पेनक्रियाटिको ड्यूडिनल। सुपीरियर पेनक्रियाटो ड्यूडिनल इंफीरियर पेनक्रियाटो ड्यूडिनल के साथ करती है, ठीक है। ये इंफीरियर पेनक्रियाटो ड्यूडिनल ब्रांच है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की, जो हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के बारे में। तो उसकी ब्रांच है इंफीरियर पेनक्रियाटो ड्यूडिनल, उसके साथ ये सुपीरियर पेनक्रियाटो ड्यूडिनल जो है एनास्टोमोज करती है। अब जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक थी वो किसके साथ करती है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक करती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक के साथ। ये इसके अंदर जो थे मेन एनास्टोमोसिस जो थे वो यही थे कि जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक थी वो करती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक के साथ, लेफ्ट गैस्ट्रिक राइट गैस्ट्रिक। बस एक सुपीरियर पेनक्रियाटो ड्यूडिनल ऐसी थी जो अपने से सिलेक्ट ट्रंक की किसी ब्रांच से नहीं करती, बल्कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच से जो है एनास्टोमोस करती है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्राम की, तो अब हम इसके डायग्राम की बात करें। सबसे पहले ये है हमारा सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक की तीन मेन ब्रांचेज मैं पहले बनाऊंगा। सबसे पहली है कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है। एक है कौन सी, स्प्लीनिक। स्प्लीनिक के आगे जाके स्प्लीनिक ब्रांचेज हो जाती है। एक है कौन सी, कॉमन हिपेटिक। कॉमन हिपेटिक क्या देगी, एक ब्रांच देगी गैस्ट्रोड्यूडेनल। गैस्ट्रोड्यूडेनल देने के बाद क्या नाम बन गया, प्रॉपर हिपैटिक। प्रॉपर हिपैटिक से एक ब्रांच निकली कौन सी, राइट गैस्ट्रिक। अब ये ऊपर जाएगी, प्रॉपर हिपैटिक ऊपर गई, ऊपर जाके ब्रांच टर्मिनल ब्रांचेस दे देती है, एक राइट हिपैटिक एक लेफ्ट हिपैटिक। राइट हिपैटिक से निकली सिस्टिक ब्रांच, सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी की दो, एक सुपरफिशियल और एक डीप ब्रांच। ये हो गया हमारा मेन। अब जो गैस्ट्रोड्यूडेनल है उससे एक निकली क्या, सुपीरियर पेनक्रियाटो ड्यूडेनल।
और एक निकली कौन सी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। स्प्लीनिक से कौन सी निकली, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। और एक कौन सी निकली, शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस। और क्या निकले, छोटे छोटे पेनक्रियाटिक ब्रांचेस भी निकल गई। अब मैं इसको आपको एक स्टमक यहाँ पे रखूंगा, स्टमक रखने के बाद आप इसके समझ जाओगे इजीली। तो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है ये है हमारा स्टमक। तो जो ये सीलिएक ट्रंक था, यहाँ से निकली कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक क्या करती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आगे की तरफ जाती है, पहले ऊपर की तरफ गई सीलिएक ट्रंक से, लेफ्ट गैस्ट्रिक पहले ऊपर जाती है फिर एंटीरियर आगे की तरफ जाके ये लेसर ओमेंटम में ऐसे घुस जाती है। यहाँ से गई और ये लेसर ओमेंटम में घुस गई और ये लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर दिया। इसी तरह से जो यहाँ से स्प्लीनिक से निकल के जो आई है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और यहाँ से राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आई, ये ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती हैं और लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक सप्लाई करती हैं लेसर कर्वेचर को। इसके स्टमक के पीछे से जाती है स्प्लीनिक आर्टरी, उसकी ब्रांचेस जाती हैं पेनक्रियाटिक ब्रांचेस, कुछ स्प्लीनिक ब्रांचेस और कुछ यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस जो फंडस को सप्लाई करती हैं। अब जो ये था हमारा लेफ्ट गैस्ट्रिक, इसकी कुछ ब्रांचेस हमने बताई थी जो ईसोफेगस को सप्लाई करती हैं, ये ऊपर ईसोफेगस को सप्लाई करेंगी, बाकी लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती हैं, ये भी लेसर कर्वेचर को सप्लाई करता है, ये ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती हैं, ये ग्रेटर कर्वेचर को कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम इसके नाम लिखें, तो ये है हमारा मेन, पहले लिखते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक, ये है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक। ठीक है, ये है हमारी राइट गैस्ट्रिक, ये है हमारी सुपीरियर पैनक्रियाटोडुओडेनल, ये है हमारी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक जो किसके साथ मिल रही है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक के साथ, जो किसकी ब्रांच है, स्प्लीनिक की। ये क्या है, स्प्लीनिक ब्रांचेस। ये क्या है, शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस। ये क्या होगी, पैनक्रियाटिक ब्रांचेस। ये क्या होगी, प्रॉपर हिपेटिक। ये कौन सी थी, स्प्लीनिक। ये क्या होगी, लेफ्ट हिपैटिक। ये होगी राइट हिपैटिक। ये हो गई हमारी सिस्टिक, ये सुपरफिशियल और डीप पार्ट हो गए इसके। ठीक है, तो ये डायग्राम इजी है, ये याद हो गया तो मतलब क्लियर हो गया हमारा। तो अब हम इसमें अगर हम बात करें कौन किसको सप्लाई कर रहा है इसकी, और हम बात कर ले जल्दी जल्दी, तो जो ईसोफेजियल ब्रांचेस ईसोफेगस को सप्लाई करेंगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक करती है और राइट गैस्ट्रिक किसको करती है, लेसर कर्वेचर को करती है, शॉर्ट गैस्ट्रिक मतलब वही हो गया। उसके बाद हमने कॉमन हेपेटिक की बात की, गैस्ट्रोडुओडेनल में सुपीरियर पैनक्रियाटोडुओडेनल, नाम में क्या है, पैनक्रियाज और डुओडेनम, पैनक्रियाज और डुओडेनम को सप्लाई करती है। पैनक्रियाज के किस पार्ट को सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है हेड ऑफ द पैनक्रियाज को और ड्यूडेनम को। ठीक है, उसके बाद राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, ये करते हैं ग्रेटर कर्वेचर को, और नाम में ही गैस्ट्रो एपिप्लोइक है तो एपिप्लोइक मतलब ये सप्लाई करते हैं किसको, ग्रेटर ओमेंटम को। एपिप्लोइक मतलब ओमेंटम होता है, ग्रेटर ओमेंटम को सप्लाई करता है। ये हिपैटिक मतलब लीवर को सप्लाई करेंगी, गैस्ट्रिक की बात हमने कर ली। पैनक्रियाटिक ब्रांचेस किसको करती हैं, बॉडी एंड टेल ऑफ द पैनक्रियास को। शॉर्ट गैस्ट्रिक करती हैं किसको, फंडस को, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक की हमने बात कर ली, स्प्लीनिक ब्रांचेस स्प्लीन को सप्लाई करती हैं। तो ये था हमारा क्या, सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और इसको जितना हो सके उतना शेयर भी कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच।